आदाब नाजरीन, सैयारा न्यूज टीवी में आपका खैर मकदम है। आइए देखते हैं कुछ अहम खबरें। प्रॉपर्टी की हिफाजत करने का वादा किया गया, कुछ भी नहीं हुआ। अब हम इस फ्लैट मिस के जरिए बीआरएस सरकार को ये वार्निंग देते हैं कि दो मरतबा आप झूठ बोलकर इख्तदार हासिल करे, अब हम इसको दोबारा तुम्हारे झूठे वादे में आने वाले नहीं है। हमारा पहला मुतालबा ये है कि वक्फ बोर्ड के जो जमीनात बचे हुए हैं, वो जमीनात जो 20,000 एकड़ रिकॉर्ड के मुताबिक जो सीबीसीआईडी फर्स्ट रिपोर्ट जो दाखिल की है, 20,000 एकड़ जमीन बची हुई है, तो वो जमीन को बेघर मुसलमानों में फी का 100 गज जमीन लीज पर अलॉट किया जाए, ये हमारा मुतालबा है। और दूसरा हमारा अहम मुतालबा ये है कि रियासत के दीगर जो है ना इबादत गाँव में काम करने वालों को पे स्केल दी जा रही है, इसी तरह हमारे मसाजिद के इमाम मौजूदों को भी पे स्केल और ग्रीन चैनल के जरिए उनको जो महाना जो एजाजिया दिया जा रहा है वो बिला ताखिर हर महीना पे ग्रीन चैनल के थ्रू उनको दिया जाए। और तीसरा हमारा अहम मुतालबा ये है कि हमारे केसीआर साहब 12% का रिजर्वेशन का जो ऐलान किए थे उसको जो है ना सेंट्रल गवर्नमेंट से मंजूरी नहीं मिलने का रोना रो रही हूँ। अब हम ये पूछते हैं कि सेंटर की बात छोड़ो, आपके स्टेट में जो स्टेट के स्कीमात है, स्टेट के जो ना मुलाजिमते हैं, स्टेट में आप जो कुछ भी वर्क कर रहे हैं, क्या उसमें मुसलमानों को 12% दिए आप? ये तो दे सकते ना। स्टेट में आप जा रहे हैं, कोई भी डिपार्टमेंट में हो, पुलिस में हो, एजुकेशन में हो और कोई किसी डिपार्टमेंट में हो, 12% आपको आप दिए क्या? या भी धोखा दे रहे हैं। तो हम ये मुतालबा करते हैं कि स्टेट के स्कीमात में मुसलमानों को 12% रिजर्वेशन दिया जाए। और उर्दू के ताल्लुक से जो खिलवाड़ किया जा रहा है, मजाक उड़ाया जा रहा है, जबकि उर्दू अकेडमी से फंड जारी होता और चेयरमैन ये कहता है कि वो जो ना वहाँ के मुकामी लोग करे, ऐसे तेलुगुदा को जो उर्दू अकेडमी में मुसल्लक कर दिया गया है, हम उसकी मजम्मत करते हैं और उर्दू अकेडमी को उसका मुस्तैद मुकाम के लिए हम इस प्लेसमेंट में मुतालबा करते हैं। तो जैसा कि आपने देखा नाजरीन, क्या हो रहा है देश और दुनिया में, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और हमें दीजिए इजाजत।